तो गाइस आज के ज़माने में तो लालची हर कोई है। तो फिर देखा जाए तो फिर अगर आप यहाँ पे पहुँचे हैं तो इसका मतलब आप ही लालची है और आपका दोस्त तो आपसे भी बड़ा लालची होगा। बताता हूँ क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में किसको पॉपुलर नहीं होना, मेरे ख्याल से तो पॉपुलर सबको होना है। तो फिर एक्चुअली पॉपुलर होने के लिए अगर लोग क्या करते हैं कि इंस्टाग्राम फॉलोअर्स उनको बढ़ाना रहता है, तो फिर नए नए एप्लीकेशन देखते हैं कि कैसे ना कैसे उनका इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ जाए। तो फिर ऐसा है कि आज इसी का हम लोग मिसयूज़ करेंगे और इसी के तरीके से आप अपने दोस्त के यूज़र नेम और पासवर्ड को जान पाएंगे। तो फिर मैंने एक एप्लीकेशन बिल्ड किया है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। तो फिर मैं फटाफट से उसकी कोडिंग बता देता हूँ कैसे क्या हो रहा है। तो फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। तो फिर यहाँ पे जो है मैं खोल लेता हूँ। तो फिर यह है वो कोडिंग। तो देखिए, लालच बुरी बला है ये कहावत है, लेकिन इसका मतलब आपके दोस्त को आप अच्छे से समझ आने वाला है। तो फिर देखिए, सबसे पहले चीज़ें फेक होंगी यहाँ पे। तो फिर ये जो है दिखाएगा कि उसके फॉलोअर्स बढ़ाएगा। देखिए, ये जो दिखाएगा कि ये कहेगा कि हम आपके फॉलोअर्स बढ़ाएंगे, कहेगा कैसे। तो फिर देखिए, सिंपल है। तो फिर कहेगा कि तो फिर ये कहेगा कि आप बस हमें अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और कितने फॉलोअर्स चाहिए ये बताइए, और मैं आप हम आपको इतने फॉलोअर्स दे देंगे 5 घंटे में। तो फिर वो भी कहेगा हाँ हम भी दे देते हैं, क्योंकि उनको तो लालच बुरी पड़ा। तो फिर वो भी दे देगा ईमेल और पासवर्ड, आई मीन यूज़र नेम और पासवर्ड। तो फिर क्या होगा कि वो सोचेगा उसके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बट उसका जो लेकिन जो उसका जो अकाउंट है उसका यूज़र नेम और पासवर्ड आपको ईमेल हो जाएगा। तो फिर कैसे होगा हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले मैंने कुछ लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट किया। तो फिर इम्पोर्ट SMTP लिब, इम्पोर्ट टाइम, इम्पोर्ट सिस, बस हमें 3 लाइब्रेरी की ज़रूरत है, वो ज़्यादा नहीं। तो फिर SMTP लिब क्या है, पाइथन द्वारा लिखी गई, पाइथन में लिखी गई SMTP लाइब्रेरी जो कि ईमेल सेंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फिर मैंने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इम्पोर्ट सिस प्रिंट इंस्टाग्राम फॉलोअर्स इंक्रीजर। ये देखिए प्रिंट अनऑफिशियल, अनऑफिशियल दिखाने के लिए वर्जन 2.0.0। अब देखिए यहाँ पे मैंने दो फंक्शन बनाया है जो कि मैं आपको बताने नहीं वाला इसमें क्या है। तो देखिए, डेफ माई ईमेल, ये क्या करता है कि मेरा ईमेल रिटर्न करता है, मेरे ईमेल का स्ट्रिंग। और दूसरा वाला डेफ माई पासवर्ड, तो फिर ये जो है मेरा पासवर्ड का स्ट्रिंग रिटर्न करता है। आप डायरेक्टली लिखेंगे और कहाँ लिखेंगे मैं ये भी बता देता हूँ। तो फिर यहाँ मैंने एक फंक्शन बनाया, डिफाइन किया है, जिसका नाम है सेंड ईमेल टू मैसेज, यानी जिसको भेज रहे हो और मैसेज क्या है। तो ये देख लीजिए, डेफ सेंड ईमेल में सर्वर इज इक्वल टू smtplib.smtp.gmail.com। ये सर्वर जो हम बना रहे हैं और पोर्ट जिसका होगा 587, ये होस्ट है इसका smtp.gmail.com। सर्वर डॉट ahl ऑथेंटिकेट किया, सर्वर डॉट startls, और उसके बाद देखिए सर्वर डॉट लॉगिन, लॉगिन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे माई ईमेल की जगह आप अपना ईमेल लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं योर ईमेल स्ट्रिंग में, मतलब ://, माई पासवर्ड      प्रिंट लॉग इन, अगर लॉग इन हो गया तो सर्वर डॉट सेंड मेल, किसको सेंड मेल करना है, माई ईमेल, यानी कि जो मेरा ईमेल है मुझे ही सेंड करना है। और देखिए ऐसा है कि आपको अपना गूगल पे लेस सिक्योर ऐप्स अलाउ करना होगा। कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ, आप ये खोलिए अपना गूगल और यहाँ पे सर्च कीजिए लेस सिक्योर ऐप्स जीमेल, जीमेल लिखना था तो फिर मैंने गूगल लिख दिया, तो फिर पहला वाला ही आएगा आपका और मेरा लेस सिक्योर ऐप्स अलाउ है। तो फिर ऐसा है कि आप तब ईमेल भेज पाएंगे आसानी से। और पता नहीं मैंने इसको क्यों खोल दिया है, तो फिर होता है छोटी मोटी गलतियाँ। तो फिर आप जो है अपना लेस सिक्योर ऐप्स अलाउ कर दीजिए और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और अब मैं बताता हूँ आगे की कोडिंग क्या है। देखिए मेरा ऑन है। अब आगे क्या है कि आप ये जो है लूप चलाएगा और यूज़र नेम पहले लेगा। अगर यूज़र नेम इफ़ नॉट एट इन यूज़र नेम, अगर यूज़र नेम में ये नहीं हुआ तो कहेगा रॉन्ग, प्लीज़ एट एड 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 डालना पड़ेगा, एल्स पासवर्ड 1 = देखिए पासवर्ड ये दो बार लेगा। और पासवर्ड क्यों लेगा मैं बताता हूँ, अगर पहली बार ये लेगा पासवर्ड और दूसरी बार इसको कंफर्म करेगा। अब देखिए अगर ये पासवर्ड 1 और पासवर्ड इक्वल नहीं हुआ है तो लिखेगा रॉन्ग पासवर्ड, एल्स ये ट्राई करेगा फॉलोअर्स इज इक्वल टू। अब देखिए ऐसा है कि अगर फॉलोअर्स जितने चाहिए उसमें कहेगा कि कितने फॉलोअर्स चाहिए, अगर उसने कोई अल्फ़ाबेट दे दिया तो फिर क्या करेंगे, तो फिर प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, हमारा प्रोग्राम वहीं पे रुक जाएगा। तो फिर ये जो है हमने ट्राई में डाल दिया है और फॉलोअर्स इज इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट। अगर वो, अब देखिए यहाँ पे थोड़ी रियलिस्टिक दिखाने के लिए हम लोग जो इंट ले रहे हैं उसको 5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैंने लिखा है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं 50,000, 500 वगैरह वगैरह। तो फिर अगर उस ज़्यादा देता है तो फिर कहेगा रॉन्ग इनपुट, आई मीन यू एक्सीड द लिमिट, ये देखा, एल्स वरना ट्राई करो। क्या करेंगे, प्रिंट गेटिंग कितने फॉलोअर्स स्ट्रिंग ऑफ, ये स्ट्रिंग बनाया मैंने
अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको पता चलता रहेगा। एफ स्ट्रिंग फॉलोअर्स, फॉलोअर्स फॉर यू यानी इन फॉलोअर्स, सेंड ईमेल। अब देखिए सेंड ईमेल क्या करेगा, माई ईमेल, एफ यूजर नेम, अब देखिए एफ स्ट्रिंग भेजेगा, यूजर नेम कौन सा, यूजर नेम और पासवर्ड, उसका पासवर्ड ईमेल का देगा। प्रिंट थैंक्स फॉर यूजिंग मी, यू विल गेट फॉलोअर्स इन अबाउट 5 आवर्स, टाइम डॉट स्लीप टाइम यानी कि 10 सेकेंड में वो सिस डॉट यानी एग्जिट कर जाएगा। और एक्सेप्ट एक्सेप्शन यानी कि अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब कि इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम है, तो फिर देखिए प्रिंट समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज़ चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। एक्सेप्ट एक्सेप्शन और यानी कि अगर इसने गलत इनपुट दिया है फॉलोअर्स में, तो फिर कहेगा प्लीज़ इंटर वैलिड फॉलोअर्स। बस हमारा प्रोग्राम ये भी ख़त्म होता है और हम जो है अब इसको बिल्ड करने जा रहे हैं। तो फिर मैं जो हूँ इसको जो है जहाँ पे हमने ये बनाया है, तो फिर मेरे ख्याल से यूट्यूब फोल्डर में बनाया है, तो फिर यहाँ पे है इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, ये रहा इंक्रीजर की जगह एन कर देता हूँ, इंस्टा इंक। अब देखिए मैंने एक आइकन फाइल डाउनलोड किया है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्या है। एक्चुअली बात यह है कि ये अगर हमें आइकन ऐड नहीं किया तो समझ जाएगा कि कुछ बेकार की फाइल है, तो फिर आइकन ऐड करेंगे थोड़ा रियलिस्टिक लगेगा कि हाँ ये कुछ असली है, और इसको ब्लैक दिखा रहे हैं मतलब कि कुछ अनऑफिशियल है, डार्क साइड से मतलब कि बढ़ाने वाला ही होगा। तो फिर चलिए आओ दिखाते हैं अब क्या करेंगे हम लोग। यहाँ पे चुपचाप हम लोग क्या करेंगे, आपके में पाई इंस्टॉलर इंस्टॉल होना चाहिए। अब शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करेंगे हम लोग, शिफ्ट दबा के ओपन कमांड विंडो हियर, और यहाँ पे लिखेंगे पाई इंस्टॉलर। अब एफ पैरामीटर देंगे, आई पैरामीटर से हम लोग आइकन चूज करेंगे, आइकन कौन सा हमारा रहेगा, आइकन्स टैब दबाओगे कंप्लीट कर देगा ये, डॉट आईसीओ फाइल होनी चाहिए। और इसके साथ साथ हमारा लास्ट कौन सी फाइल, हमारा इंस्टा अंडरस्कोर, इंस्टा अंडरस्कोर टैब दबाएंगे इंस्ट, अब देखिए पाई इंस्ट गलत लिख दिया सॉरी, पाई इंस्टॉलर एफ आई आइकन्स इंस्टा बस, और हमारा सारा काम खत्म होने वाला है। और ये जो है अब मेरा exe फाइल बना देगा। तो फिर हम लोग थोड़ा सा वेट कर देते हैं कि ये कब बनाएगा, मैं वेट कर रहा हूँ और इसका, और वेट करता जा रहा हूँ, वेट ही करता जा रहा हूँ, और जल्दी जल्दी हो रहा है, और देख लीजिए बहुत ही फास्ट तरीके से कर रहा है। और नाउ 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 डन। अब देखिए आपका सब कुछ सिक्योर है यहाँ पे, आपका कोई भी ईमेल कोई वो नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। अब देखिए यहाँ पे लिखा लिखा है इंस्टाग्राम फॉलोअर्स इंक्रीजर, यहाँ से मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। प्रॉपर्टीज में आएंगे और यहाँ से मैं ले सी डा कंसोल 16 ओके। तो ये लॉकडाउन में यही सब काम करेंगे हम सब, और क्या कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे कूल सा नीचे दिख रहा है इंस्टाग्राम का ब्लैक ब्लैक लोगो आई मीन आइकन, और यहाँ पे भी देख सकते हैं कितना कूल दिख रहा है, और आपका भी दोस्तों आराम से बेवकूफ़ बन जाएगा अगर मैं ऐसा वैसा इनपुट दे दूँ। तो देखिए रॉन्ग यूजर नेम प्लीज़ एट अरुण। अब देखिए इंटर योर पासवर्ड हियर 1 2 3 4 और फिर से 1 2 3 4 5, अगर मैंने पासवर्ड कोई और दे दिया तो देखिए रॉन्ग पासवर्ड, तो फिर हम फिर से देंगे एट अरुण, मेरा पासवर्ड सब्सक्राइब मी, मेरे एक हाथ में माइक है तो फिर मुझे टाइपिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और मेरा लैपटॉप भी बहुत हीट हो रहा है। इंटर किया, हाउ मैनी फॉलोअर्स डू यू वॉन्ट, देखिए ये पासवर्ड मैच हो गया, तो फिर कितने फॉलोअर्स मुझे चाहिए, अगर मैं 5 लाख से ज़्यादा दे दूँ तो, वैसे मैं दूंगा नहीं तो 5 हज़ार, 5 हज़ार ही दूंगा। अब देखिए गेटिंग 5,000 फॉलोअर्स फॉर यू, लॉग्ड इन, सेंड रिक्वेस्ट, थैंक्स फॉर यूजिंग मी, यू विल गेट फॉलोअर्स इन अबाउट 5% यूजर नेम, फिर से स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से कट करेंगे, अब देखते हैं कि मुझे रिसीव हुआ कि नहीं, तो अब देख लेते हैं मैं जाऊंगा अब किस में हम लोग जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे gmail.com, मेरा ईमेल जीमेल खोलेगा और मैं देख लेता हूँ कि रिसीव हुआ है कि नहीं। तो फिर देख लीजिए मी यूज़र नेम ये अनरीड सॉरी, हाँ ये देखिए ये नो सब्जेक्ट में पता नहीं क्यों आया है, तो फिर मैं एक बार रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। रिफ्रेश हो रहा है, हो रहा है।
शायद से कोडिंग में मैंने कुछ गड़बड़ कर रखी है। तो फिर ऐसा है कि कुछ साइंस है जो इसमें प्रयोग इस्तेमाल नहीं करना है, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी साइंस है। तो फिर कोई ऐसी साइंस तो मुझे वैसे लग नहीं रही। क्या प्रॉब्लम हो गई यार? लॉग्ड इन, सेंड रिक्वेस्ट। तो फिर अब क्या करें, फिर से एक बार ट्राई करते हैं सेंड करने का, एक और बार चलाएंगे। कहाँ गया वो एप्लीकेशन, ही मैंने बंद कर दिया। तो यहाँ से डायरेक्ट रन कर देते हैं, कोई तोप चीज़ नहीं हुई है। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे एट अरुण कुमार पासवर्ड 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 2 2, गेटिंग 22 फॉलोअर्स फॉर यू, लॉग्ड इन, सेंड रिक्वेस्ट, थैंक्स फॉर यूजिंग मी, गेटिंग फॉलोअर्स फॉर यू। तो फिर एग्जिट भी तो नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ एग्जिट कर गया, इस बार हो गया शायद से। फिर चेक कर लेते हैं एक बार, ये देखिए आ गया, यूजर नेम अरुण कुमार, पासवर्ड 1 2 3 4 5। वैसे यहाँ पर पता नहीं मुझे क्यों नहीं आया, और मैं चेक कर लेता हूँ कि कोई तो प्रॉब्लम हुई है। कभी यहाँ पे जो है मैं सिस डॉट एग्जिट ही नहीं, क्विट कर देते हैं यहाँ पे, क्विट। तो मेरे इसमें जो है मैं बैक, अब इसलिए मतलब कि कमेंट आउट कर देंगे। और यहाँ पे कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, तो फिर मैं देख लेता हूँ स्ट्रिंग में यूज़र नेम पासवर्ड, यूज़र नेम करके मैं कुछ और लगा देता हूँ। यूज़र नेम, यूज़र नेम में कैसे दिखाएगा, मुझे सोचने दो। यूज़र नेम पासवर्ड, हाँ सही है। तो फिर अब देख लेते हैं, एक और बार बिल्ड करेंगे। तो पता नहीं वो कहाँ गया, इंस्टाग्राम फॉलोअर। इसको जो है वापस से मैं ओपन करूँगा अपने विजुअल स्टूडियो कोड से, और शायद मेरा कोड चेंज हो गया। इधर देख लेते हैं यहाँ पे, हाँ चेंज हो गया, देख लीजिए। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, और क्या गड़बड़ हुई मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो है ये देखिए, ये साइन का प्रयोग नहीं करेंगे और इसका प्रयोग करेंगे, और पासवर्ड वही। तो ये जो है अनसेफ था, और अब ये सेव हो जाएगा तो फिर काम करेगा 100%। सिस डॉट एग्जिट, तो मेरे जो है कुछ मॉड्यूल्स को इंपोर्ट नहीं किया है, इंपोर्ट टाइम, पता नहीं क्या हो रहा है। इंपोर्ट सिस, बस टाइम डॉट स्लीप 10। तो ये जो है मेरा बन चुका है, और अब आई इंस्टॉलर, मेरे एक हाथ में माइक है तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है टाइप करने में ना, थोड़ा थोड़ा टाइपिंग हम लोग कर देंगे। और आई आइकन फाइल दे देंगे हम लोग फिर से, पता नहीं मैं इसको काफ़ी बार क्यों बना रहा हूँ, और मेरा लैपटॉप इतना ज़्यादा हीट हो रहा है पता नहीं क्यों, और बहुत सी प्रोसेस चल रही है क्योंकि मेरा वो रन हो रहा है अब रिकॉर्डर। और इसके साथ साथ एक और पैरामीटर देंगे, और मेरी फाइल कौन सी है इंस्टा, और इससे पहले मैं उसको डिलीट कर दूंगा नहीं तो बनेगा नहीं। और ये रहा शिफ्ट डिलीट, डिलीट में पता नहीं मिल रहा, और पूरे बिल्ड को मैं डिलीट करने वाला हूँ अब, जहाँ से जिसने बिल्ड किया था, नहीं तो सब कुछ मेरा चल चला जाएगा इसमें। बिल्ड कहाँ है, बी 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 डिलीट, ये रहा बस हो गया। सारे पैरामीटर दे देंगे और इंटर कर देंगे, बस हमारा सारा काम खत्म। और अभी रन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। वेटिंग 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 वेटिंग।
और मेरे फ़ोन पे भी रिसीव हुआ है ईमेल, तो देख लीजिए आपके फ़ोन पे भी आ जाएगा और आपके फ्रेंड का अकाउंट आपको मिल जाएगा। तो इसका मिसयूज़ मत कीजिएगा, मेरी राय तो यही है, और अपने दोस्त को फंसाइएगा मत वरना। और अगर आपके साथ कुछ भी उल्टा सीधा होता है तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब देखिए करना क्या है, @IAMYouTuber, पासवर्ड सब्सक्राइब मी, अगेन सब्सक्राइब मी, फॉलोअर्स 33 फॉलोअर्स चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। अब देखते क्या होता है, गेटिंग 33 फॉलोअर्स फॉर यू, वेटिंग 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 वेटिंग, लॉग इन नहीं हो रहा और लॉग इन होने में टाइम ले रहा है पता नहीं क्यों। तो फिर काफ़ी चीज़ें रन हो रही हैं, तो चाहता हूँ कि मैं उन सबको बंद कर दूँ, तो फिर होगा ये कि कुछ हल्का हो जाएगा मेरा वो PC। तो फिर यहाँ पे प्रोसेसेस, बहुत सारी प्रोसेस चल रही हैं, और देखिए हो गया डन। अब मैं आपको दिखाता हूँ गया कि नहीं, और यहाँ पे gmail.com आपके सामने ही मैंने वो डाला था सब कुछ, और फिर विजुअल स्टूडियो कोड मैंने कोई खोल रखा है, तो इसका कोई काम नहीं है। तो फिर मैं इसको बंद कर दूँगा जिससे प्रोसेसेस कुछ कम हो जाए। इसको भी क्लोज़ कर देते हैं, और अब इसको भी क्लोज़ करेंगे ना, ये देख लीजिए आ गया, आ गया यहाँ पे यूज़र नेम IAMYouTuber, पासवर्ड सब्सक्राइब मी लोल, और आपके दोस्त का अकाउंट हैक। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियोस पाने के लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मुझे नहीं पता ये यूट्यूब अब रहने देगा या नहीं, उम्मीद है बैन नहीं करेगा ये वीडियो। तो फिर बाय बाय।